जो है हाथी की आंधी नहीं तूफान दिखेगा, तूफान जिस हिसाब से हाथी का वजन है उसी हिसाब से हमारी विधानसभा सीट लड़ रही है। मतदान है जी, क्या बसपा को वोट पड़ेगा मुस्लिम? बसपा को इतना वोट पड़ेगा, बसपा के साथ सभी वर्ग के लोग हैं और सभी लोग हैं, हर 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 सारी कौम है, ऐसा नहीं है बसपा का काम बोल रहा है, बसपा की सबको काम बोल रहा है, सबकी याद है बसपा के साथ के बसपा ने क्या करा। यहाँ की जनता किसकी तरफ देख रही है भाई? यहाँ की जनता 90% हाजी शकील कुरैशी साहब की तरफ है। शहर के अंदर तो ऐसे समझ लो एक तूफान सा हो गया है, पहले समाजवादी को यहाँ से बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म। सुपड़ा साहब, मायापति, मायापति, क्या नाम है? नूर आलम। वोट किसको दोगे? हाथी। आप किसको दोगे? हाथी 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 बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती हाथी 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 सबका साथ, हाथी सबका साथी, हाथी जीता। पानी गिरेगा वहाँ खून बहाने को तैयार है पब्लिक, बोले बैठ जाओ और आज दिखा दो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दो संभल का। 40 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, टूट जाएगा इंशाल्लाह। पहली बार में बोले, पहली बार में ऐसा नेता आया कि 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मायावती गरीबों के मसीहा, और जो गरीबों की मदद करी, गरीबों की दुआएं साथ है इनके, के जाओ तुम अपने घर बैठो, हमने जिता दिया। जो समाजवादी के पार्टी है तल्ले, उन्होंने कुछ गरीबों का भी माल आया बाहर से वो भी अपने पास रख लिया। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही, उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू हो गए। पहले चरण के मतदान पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर हुए थे और इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में। संभल में क्यों मौजूद हैं? क्योंकि कल है मतदान, चरण के यहाँ पर मतदान है, कल यहाँ की जनता वोट करेगी। एक दिन पहले क्या है माहौल, किसके पक्ष में लहर चल रही है, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक, इस वीडियो करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। फिलहाल बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रविशंकर है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और विधानसभा संभल में बीएसपी पार्टी का ऐसा माहौल है कि साइकिल वाले बता रहे हैं कि हमारी हवा है और हमारी आंधी है, मगर हमारी बीएसपी पार्टी और पार्टी का प्रत्याशी तूफान की तरह लड़ लिया है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कितनी हवा और कितनी आंधियों को सब मिलात करके दूर उठा कर फेंक देगा पार्टी की, और इस यहाँ से इतनी सीट जो ये सीट बनेगी इंशाल्लाह ऊपर वाले की रहम से कि कल ईवीएम की मशीनों में गिनती खत्म हो जाएगी और हाथ के वोट खत्म नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये इस तरीके से लहर चल रही है आपकी? हमारे यहाँ संभल में इससे भी जड़ा मजबूती से लहर बोल रही है। आप हमसे एक दो आदमी से कंफर्म कर रहे हैं, जब आप शहर में घूमेंगे तो हाथी की लहर दिखेगी। दो आदमी कहाँ यहाँ पे, सैकड़ों? यही तो बता रहा हूँ कि आप जो आपकी नज़र में तो ये एक दो ही है। आप संभल विधानसभा में घूमेंगे तो आपको जो है हाथी की आंधी नहीं तूफान दिखेगा, तूफान जिस हिसाब से हाथी का वजन है उसी हिसाब से हमारी विधानसभा सीट लड़ रही है। यहाँ पर हाथी का तूफान बता रहे हैं, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर? बीएसपी का इतना बड़ा तूफान है, बीएसपी ने काम करा है, कोई भी आज तक कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने काम नहीं करा। माँ बहन जी ने इतना काम करा है पार्टी के लिए कि बहुत ज़्यादा, और हम ये चाहते हैं कि बहन जी 300+ जाएंगी और उससे ऊपर जाएंगी। कल दूसरे चरण के मतदान हैं जी, क्या बसपा को वोट पड़ेगा मुस्लिम? बसपा को इतना वोट पड़ेगा, बसपा के साथ सभी वर्ग के लोग हैं और सभी लोग हैं, हर 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 सारी कौम है, ऐसा नहीं है बसपा का काम बोल रहा है, बसपा की सबको काम बोल रहा है, सबकी याद है बसपा के साथ के बसपा ने क्या करा है, और बसपा के हर आदमी जानता है कि बसपा के राजमा हर वर्ग का आदमी सुखी था, हर वर्ग का आदमी सुखी था। जय भीम जय भारत। जी जी, क्या नाम हुआ दादा? मोहम्मद नफीस। अच्छा, ये बताइए मुस्लिम समाज बसपा को वोट करेगा या नहीं? कल मुस्लिम समाज करेगा साहब वोट करेगा। हाँ, मेंबर साहब को करेगा, 100% वोट मिलेगा मेंबर साहब को। तो हाथी का जोर चल लिया है, तूफान हाथी का चल लिया है, बस हाथी का चल रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी की तो बस फेल है। समाजवादी पार्टी का क्या कहा जाता है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है, क्या लगता है? अब की यहाँ की जनता ने बहुत ही डेवलप किया है, समाजवादी पार्टी के MLA ने कैबिनेट मंत्री होने के बाद में एक हमारी संभल विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि एक अच्छा सा रोडवेज भी नहीं है। रोडवेज तो बहुत बड़ी बात है, एक चौराहा नहीं है, अगर जाम लगता है तो बाइक वाले ही फंस जाते हैं। और अब कैसी विधानसभा संभल साइकिल के जो प्रत्याशी है उसको उखेड़ कर फेंकने का पूरा प्रयास कर रही है। प्रत्याशी उखाड़ फेंकोगे? अभी लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है दादा जी? मोहम्मद इरफान नाम है। अच्छा, अब मुस्लिम समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी तरफ देख रहे हो या बसपा की तरफ या भाजपा? बसपा की तरफ देख रहे हैं फिलहाल। बसपा की तरफ ही क्यों जी? हैं, बसपा की तरफ क्यों? बहुत से काम हुए अब तो इस समाजवाद में, उसमें कोई काम तो हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमने मुस्लिम समाज को सम्मान दिया, उसके दुख सुख में सम्मान। संभल में कोई काम नहीं हुआ है। क्या संभल में कोई सम्मान तो मिला? इसमें BSP सम्मान मिल गया। BSP मिल रहा है, आप बताएं।
क्या नाम है? नाम बताए, नाम बताए। अरे इन्हें बताओ, बताओ ये बताओ। मोहम्मद बिलाल। अच्छा, तो कैसा क्या माहौल है एक दिन पहले चुनाव? माशाल्लाह माहौल अच्छा है, हमें लगता है इंशाल्लाह मेंबर साहब इलेक्शन लड़ने पहले जीतेगा इंशाल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम भाई मोहम्मद नईम है, मियाँ सराय का रहने वाला हूँ। क्या माहौल लग रहा, किन मुद्दों पर कल यहाँ की जनता वोट करेगी? मुद्दे तो भाई इतने हैं कि अगर मैं गिनाऊँ तो शाम हो जाएगी। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि समाजवादी से अपना गढ़ बताती थी, लेकिन इसके साथ में क्या करा समाजवादी ने? हमने मुलायम सिंह यादव को यहाँ से एमपी बना के भेजा, रामगोपाल यादव को एमपी बनाकर भेजा, छः दफ़ा हमने नवाब साहब को यहाँ से विधायक बनाया, लेकिन हमारे संभल को उन्होंने क्या दिया? मुलायम सिंह यादव ये कहते थे कि मैं इसको हरित प्रदेश बनाऊँगा, उन्होंने हरित प्रदेश कैसा बनाया है आप संभल का रोडवेज देखिए जाकर। बारिश के दिनों में नहीं, वहाँ बारह महीना आपको पानी खड़ा मिलेगा। शिक्षा के नाम पर यहाँ पर क्या है आप खुद जानते हैं, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई खेल का मैदान नहीं है, कोई स्पोर्ट स्टेडियम कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ की जनता किसकी तरफ देख रही है भाई? यहाँ की जनता 90% हाजी शकील कुरैशी साहब की तरफ है। शहर के अंदर तो ऐसे समझ लो एक तूफान सा हो गया है। पहले इससे पहले बसपा, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी हमारी इतिहास से जीत कर आती थी, लेकिन जब शहर में आती थी तो शहर में वोट नहीं मिलता था। लेकिन शकील चेयरमैन, जो उस टाइम इनकी वाइफ चेयरमैन थी, जो उनके शोहर यहाँ से लड़ रहे हैं, वो एक ऐसे कैंडिडेट है जो इकबाल साहब को सरायतरीन हयातनगर से और सिरसी से जिताकर भेजा करते थे। आज वो खुद कैंडिडेट हैं, आज उन्होंने उनको इकबाल साहब को बिल्कुल पैदल कर दिया है। आज उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कुछ नहीं है। आज इंशाल्लाह वो इतने वोटर से हारेंगे कि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट समाजवादी को यहाँ से बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। सुपड़ा साहब, सुपड़ा साहब। अच्छा, कितना जोश है कल के चुनाव को लेकर, थोड़ा दिखाओ। कम से कम आप सवा लाख वोट है संभल में। अच्छा। मायावती बहन जी का हमारे संभल की सीट से हर बूथ पे, हर बूथ पे वोट निकलेगा 300 साढ़े 300, और सवा लाख से ज्यादा हमारी बहुजन समाज पार्टी जाएगी कल। हाँ इंशाल्लाह। और चौधरी सराय के अंदर 90%, ये समझ लो मियां सराय के अंदर भी हाथी 70% लड़ लिया नवाब साहब के घर के आगे। बहुजन समाज वाली पार्टी, बहुजन समाज वाली पार्टी, बहुजन समाज वाली पार्टी, हाजी शकील कुरैशी, हाजी शकील कुरैशी, हाजी शकील कुरैशी, मायापति, मायापति, मायापति। मैंने यहाँ लोगों से जानूंगा किसको वोट करेंगे एक सुर में, क्या नाम है? नूर आलम। वोट किसको दोगे? हाथी। आप किसको दोगे? हाथी, 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 हाथी। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, हाथी, 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 हाथी सबका साथी, हाथी सबका साथी, बहन कुमारी मायावती, हाथी, 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 हाथी। यहाँ से हाथी, यहाँ से हाथी जीतेगा, पानी गिरेगा वहाँ खून बहाने को तैयार है पब्लिक। बोले बैठ जाओ और आज दिखा दो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दो संभल का। 40 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, टूट जाएगा इंशाल्लाह। पहली बार में बोले, पहली बार में ऐसा नेता आया कि 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मायावती गरीबों के मसीहा, और जो गरीबों की मदद करी, गरीबों की दुआएं साथ है इनके, जाओ तुम अपने घर बैठो, हमने जिता दिया। ये हमसे है नेता, और नेता से हम नहीं। गरीब बेटियों की शादी करते हैं और बहुत मदद करते हैं, और काफी काफी उन्होंने लोग डोन में मेंबर शकील साहब ने इतना दिया, गरीबों को इतना दिया कि गरीबों की दुआएं बहुत है। इन नेता जो समाजवादी के पार्टी है तल्ले, उन्होंने कुछ गरीबों का भी माल आया बाहर से वो भी अपने पास रख लिया, हक नहीं दिया किसी को। तो इस मेंबर साहब हमारे हाजी कुरैशी गरीब घराने की लड़कियों की शादी कराते हैं, और ये दिन रात इन्होंने तो ये कह दिया आज रात को हाजिर हूँ, मेरा घर यहीं पे पड़ेगा। ये नहीं है समाजवादी पार्टी हाँ, पार्टी ने कह दिया जनता ने कि आप घर बैठो, किसी को जीतने के बाद दिल्ली वगैरह चले जाएंगे। जी नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, पब्लिक ने कह दिया, बोले हम हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पहले मोदी जी ने ये कहा था कि जो हम 15 लाख डाएंगे, जो काला धन जो था वो वापस लाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया उनकी सरकार में कि काला धन भारत से भेज दिया गया, काला धन जो नहीं गया, लाया नहीं गया। जो नीरव मोदी हैं, सहारा जी हैं और पल्स हैं, सारा पैसा जो है ना इन्होंने कमा के बाहर भेज दिया विदेशों में, लेकिन एक रुपए का फायदा हिंदुस्तान की या भारत की पब्लिक को नहीं करा मोदी जी। ये लगता है इस बार बदलाव होगा, बदलाव होगा, सरकार बनेगी, विकास होगा, पार्टी की सरकार बनेगी और बदलाव होगा, बहुजन समाज पार्टी का आगाज होगा। मतदान से ठीक एक दिन पहले की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का तूफान चल रहा है, यहाँ की जनता का कहना है आंधी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की एक तरफा जीत होगी संभल विधानसभा से।
यहाँ के लोगों का ये कहना है, ये तो 10 मार्च को देखने को होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में फिलहाल आप देख रहे हैं, आप देख रहे थे भी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।